तो देखिए दोस्तों, लग रहे हैं ना बिल्कुल स्वादिष्ट एंड टेम्पटिंग एंड बिल्कुल मार्केट जैसे बिना मैदे के मालपुआ और बिल्कुल आटे से बने हुए मालपुए। मैं हूँ नेहा और नेहा कुकिंग एंड वेट लॉस होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और इतने ही स्वादिष्ट और सुंदर मालपुए बनाने के लिए आप मेरी रेसिपी को देखना ना भूलें, मेरी रेसिपी लास्ट तक देखें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मेरी ऐसी ही रेसिपीज़ देखते रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। मालपुआ बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 3/4 कप आटा और साथ ही मैंने यहाँ लिया है 1/4 कप सूजी। आप अगर सूजी स्किप करते हैं तो आप उसकी जगह 1/4 कप आटा और लेकर पूरा 1 कप आटा ले सकते हैं। यहाँ सूजी मैंने बारीक पीस ली है, अगर आपकी सूजी मोटी है तो आप उसे मिक्सर जार में थोड़ा पीस लीजिए। और यहाँ पर मैंने सौंफ और इलायची को भी 1 चम्मच सूजी के साथ पीस लिया था। सौंफ का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसलिए आप इसे ज़रूर डालें। और साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच चीनी। मैंने टोटल 1/4 कटोरी चीनी ली थी जिसमें से 1 चम्मच चीनी मैंने बैटर में डाल दी है और बाकी की चीनी मैं शुगर सिरप के लिए यूज़ कर लूँगी। यहाँ पे मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी गुनगुना दूध। मैंने यहाँ लिया है 1 कप मिल्क, बड़ा कप मैंने यहाँ मिल्क का लिया है और इसे धीरे धीरे ऐड करूंगी और अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी। ध्यान रहे कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना बने और हमें एक साथ सारा दूध बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, धीरे धीरे करके सारा दूध ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया लेकिन ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें मैं बाकी का बचा दूध और ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे सारा मिल्क मैंने ऐड कर दिया है। अभी भी ये मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें 1 चम्मच दूध और ऐड करूंगी और इसे मिक्स कर दूंगी। अब ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बन गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 चम्मच फ्रेश मलाई। फ्रेश दूध की मलाई जो है हमें वही यूज़ करनी है इसमें। तो यहाँ मैं इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, ये बिल्कुल फ्लोएबल है, बिल्कुल एक धार में बह रहा है, टूट टूट कर नहीं बहना चाहिए ये। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा बैटर रेडी है। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, तब तक हम अपनी चाशनी रेडी करते हैं। मैंने यहाँ पे जो चीनी ली थी 1/2 कप उसको मैंने ऐड कर दिया, साथ ही में उतना ही मैंने वाटर डाला है जितना चीनी ऐड करी है उसी कटोरी से मेज़र करके। इसके साथ ही मैंने इसमें इलायची डाली है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे रबड़ी बनाने के लिए मिल्क लिया है जिसमें मैंने इलायची डाल दी और 1 चम्मच चीनी डाल दी है और इसे बॉयल होने के लिए मैं रख दूँगी। इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूँगी और मैंने यहाँ लिया है 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर जिसमें मैं 4 से 5 चम्मच दूध ऐड करूँगी। इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। रबड़ी को अच्छी कंसिस्टेंसी देने के लिए, गाढ़ा करने के लिए हम इसे डाल रहे हैं। अगर आपके पास ज़्यादा मिल्क नहीं है तो आप इसे ऐड कर दें इसे, ये जिससे कि मिल्क एकदम से गाढ़ा होने लगेगा। और आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कॉर्नफ्लावर ऐड करना ज़रूरी ही है। अगर आपके पास 1 लीटर दूध है और अगर आप उसे उबाल कर अच्छे से रबड़ी बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने धीरे धीरे करके कॉर्नफ्लावर का जो मिक्सचर था वो ऐड कर दिया है और इसे साथ ही में हम चेक करते हैं कि हमारा जो मिक्सचर है, बैटर है इसका, वो बिल्कुल रेडी है मालपुए का। और यहाँ पे हमारा जो रबड़ी है वो भी बिल्कुल रेडी होने वाली है और ये गाढ़ी हो गई है। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ कर देंगे
और अब हम मालपुआ रेडी करते हैं। तो यहाँ पर मैं मालपुए का बैटर डालना शुरू कर रही हूँ और हमें इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे बनाना है, नहीं तो ये कच्चे रह जाएंगे। अब हम इसे उलट पलट करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और साथ ही मैं चाशनी मेरी रेडी हो चुकी थी, मैंने इसे हल्का सा वार्म कर लिया। चाशनी हमें एक या दो तार की नहीं बनानी थी, हमें सिर्फ चीनी के घुलने तक चिपचिपी चाशनी बनानी थी। अब मैं उसमें इसको ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैं इसका दूसरा बैच बना रही हूँ। यहाँ पर जैसे ही हम बैटर डालते हैं तो मालपुए फूल कर ऊपर आ जाते हैं, इसका मतलब हमारा तेल प्रॉपर गर्म है। तो ये हमारे बाकी के मालपुए भी बिल्कुल रेडी होने वाले हैं, इसे उलट पुलट कर लेंगे हम। इसे भी हम चाशनी में डालते जाएंगे साथ के साथ। बाकी के बचे हुए मालपुए भी हम ऐसे ही तैयार करेंगे। ध्यान रहे कि आप गैस का फ्लेम बिल्कुल भी तेज़ ना करें। तो यहाँ पर हमारे सारे मालपुए हमने तैयार कर लिए हैं। इनका कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। तो हमारे ये मालपुए बिल्कुल रेडी हैं। हमने इसे चाशनी में डिप करके रख दिया था 5 से 7 मिनट के लिए। और अब हमने जो रबड़ी बनाई थी, अब हम उसे धीरे धीरे इस पर ऐड करते जाएंगे। तो ये देखिए कितने सुंदर और बिल्कुल बाजार जैसे मालपुए तैयार हुए हैं। तो इस लॉकडाउन में बाहर से कुछ खाने की बजाय अगर हम घर पे ही तैयार करके बड़ों को और बच्चों को खिलाएं तो इससे अच्छी बात क्या होगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हमारे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। चलिए जी, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू।